डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल ऑफ यू फाइन एंड सेफ इन योर होम एंड हैविंग अ बिग स्माइल ऑन योर फेस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टुडे वी विल कवर चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज, पार्ट 1 ऑफ क्लास 4, सब्जेक्ट ईवीएस। चेंजिंग फैमिली, तो जैसे फैमिलीज में जैसे चेंज होता है किसी के आने से, किसी के चले जाने से, जैसे लाइक निम्मीज फैमिली, जीरिंग फैमिली एंड नजरीज फैमिली। तो इन तीनों के फैमिली के बारे में आज इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज। तो इस चैप्टर में कुछ फैमिलीज के बारे में बताया है। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज। दीज आर द फैमिलीज ऑफ निम्मी, जेरिंग एंड नजली। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। इस चैप्टर में कुछ फैमिलीज के बारे में बताया है। तो यहाँ निम्मीज की फैमिली बताई गई है, देन जेरिंग एंड नजलीज। इस पिक्चर को देख के हमें ये समझ में आता है कि निम्मी की फैमिली है। अ न्यू अराइवल, इस यहाँ किसी के आने के बारे में बताया गया है। देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निम्मीज फैमिली, शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर। तो निम्मी को काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि उसके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर आने वाली है। इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि निम्मी है, उसकी दादी और उसके फादर है जो हॉस्पिटल जा रहे हैं। एंड सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं उसकी मम्मी के पास एक न्यूबॉर्न बेबी उसकी सिस्टर है जो उसकी मम्मा ने पकड़ा हुआ है। उसकी दादी बैठी हुई है, पापा और निम्मी है इस हॉस्पिटल में। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो निम्मी की मदर है, फादर है और उसकी दादी है जो उसकी सिस्टर को, न्यूबॉर्न बेबी जो न्यू सिस्टर है, तो उसे पकड़े हुए वो घर वापस जा रहे हैं। एंड फोर्थ पिक्चर में यहाँ पे शो हो रहा है कि अभी निम्मी से अपने सिस्टर को पकड़ने के लिए वो बाहर आ रही है। उसके साथ उसके आई थिंक चाचा खड़े हैं जो ब्लैक चश्मा लगाए, इसका मतलब वो ब्लाइंड है और उनके हाथ में वाई स्टिक है। उसके साथ में उसकी दादी और उसकी फादर है जो घर आए हैं। निम्मी को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, इस पिक्चर में हम देख के समझ सकते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट हु वेयर द मेम्बर्स ऑफ निम्मीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। तो बेबी सिस्टर आने के पहले निम्मी की फैमिली में कितने मेम्बर्स थे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फादर, मदर, ग्रैंड मदर, अंकल एंड निम्मी, 5 मेम्बर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेम्बर आर देयर इन निम्मीज फैमिली नाउ। अब निम्मी की फैमिली में कितने मेम्बर हैं। नाउ देयर आर 6 मेम्बर इन निम्मीज फैमिली। लेट्स अस टॉक, हाउ डू यू थिंक द लिव्स ऑफ निम्मीज फैमिली मेम्बर हैव चेंज आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी फॉर एग्जाम्पल। तो आप सोच सकते हैं कि निम्मी की फैमिली में एक न्यू बेबी, एक नया मेम्बर आया है, तो उसकी फैमिली में किस तरह से चेंज आया है। सम एग्जाम्पल गिव यर, हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ। तो निम्मी का डे कैसे स्पेंड हुआ होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लेइंग विद द न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के साथ खेलते हुए उसका समय स्पेंड होता है। What new work will her mother do now? अब उसकी मम्मा को कौन सा नया वर्क होगा। तो लुकिंग आफ्टर द न्यू बॉर्न बेबी, तो नए जो न्यू बॉर्न बेबी आते हैं तो उनकी देखभाल में ही उनका सारा समय निकल जाता है। देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निम्मीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ न्यू बेबी, कैन यू टेल नाउ। तो नए बेबी के आने के बाद निम्मी के फादर का, ग्रैंड मदर का और उसके अंकल के वर्क में चेंज आ जाता है, तो क्या आप बता सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दे विल बी लुकिंग आफ्टर द न्यू बेबी, दे विल बी प्लेइंग विथ हर। तो उन्हें उसे देखने के लिए और उसके साथ खेलने में सभी लोगों का समय स्पेंड हो जाता है। हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स पड़ोसी। तो आपके पड़ोसी के यहाँ घर पे या पड़ोसी में किसी के यहाँ ब्रदर और सिस्टर, न्यू बॉर्न बेबी जन्मा है, तो यहाँ पूछा है, तो आप बता सकते हैं यस, अ बेबी बॉय इज़ बॉर्न ऑफ माय आंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम। तो उसे वो आने के बाद घर पे कैसी फीलिंग्स आती है, तो इट फील वेरी नाइस, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ऐसे लिख सकते हैं। हाउ हैव थिंग्स चेंज एट होम विद द न्यू बेबी, घर में और क्या क्या चेंज होते हैं न्यू बेबी आने के बाद, तो आप यहाँ लिख सकते हैं Everybody is very happy, सभी लोग खुश हो जाते हैं। They are playing with new baby, तो सभी नई बेबी के साथ खेलने लग जाते हैं। Next question, find out all about the youngest child in your home or in the home of a relative, then write.
इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपके घर पे या किसी रिलेटिव के यहाँ कोई यंगेस्ट चाइल्ड आया है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताइए। व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, उसका जन्म कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 2 months back। इज़ द बेबी अ बॉय और अ गर्ल, वो क्या बेबी है या वो बेबी बॉय है या गर्ल है, तो आप बता सकते हैं। अगर बेबी होगा तो बे बॉय या फिर गर्ल होगा तो गर्ल लिख सकते हैं, जैसे द बेबी इज़ अ बॉय। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, तो कैसे रिलेशन में आता है आपके, ही इज़ माई कज़िन लिख सकते हैं। वेयर वॉज अ बेबी बॉर्न, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो द बेबी बॉर्न इन द हॉस्पिटल, तो उसका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द बेबी लुक लाइक, वो किसके जैसा दिखाई देता है। ही लुक्स लाइक हिज फादर, देन दैट इज़ माई अंकल, तो अंकल या फिर आंटी के बारे में लिख सकते कि उनके जैसा दिखाई देता है, या फादर के बारे में लिख सकते कि वो उनके अपने फादर के जैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट, वॉट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर, उसकी हेयर का कलर किस तरह का है, तो आप लिख सकते हैं द कलर ऑफ हिज हेयर इज़ ब्लैक, ब्लैक काले कलर के हैं। वॉट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज, उसकी आँखें का कलर किस तरह का है, तो आप लिख सकते हैं द कलर ऑफ हिज आइज इज ब्राउन। डज द बेबी हैव एनी टीथ, क्या बेबी को कोई टीथ है, तो छोटे न्यूबॉर्न बेबी को टीथ नहीं होते हैं, तो आप लिख सकते हैं नो द बेबी डज नॉट हैव टीथ। व्हाट डू वी फीड द बेबी विथ, अब बेबी को क्या फीड करते हैं, क्या खिलाते हैं, तो वी फीड मिल्क, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं सिर्फ मिल्क पीते हैं। व्हाट इज़ द बेबी लेंथ, अब उस बेबी की लेंथ कितनी होगी, तो आप लिख सकते हैं अराउंड 1.5 feet। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हावर्स अ डे डज द बेबी स्लीप, तो बेबी कितने हावर्स सीता है, तो आप लिख सकते हैं मोर देन 17 hours, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक, किस तरह के साउंड वो निकालते हैं, तो आप लिख सकते हैं ही क्राइज एंड मेक्स वेरियस अदर साउंड, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के साउंड वो निकालते हैं। नेक्स्ट, हु डज द बेबी स्टे विथ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो सबसे ज़्यादा वो किसके साथ समय बिताते हैं, तो आप सब ने देखा होगा कि हिज लिख सकते हैं आप हिज मदर दैट इज़ माई आंटी, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, तो अपने मामा के पास सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, तो आपको किसी बेबी का पिक्चर ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में या उसकी फोटोग्राफ स्टिक कर देनी है। आपने पढ़ा कि निमिस की फैमिली, उसकी न्यूबॉर्न सिस्टर आई थी तो उसे काफ़ी खुशी हुई थी, वैसे ही आपके यहाँ कोई नया मेहमान अगर आता होगा तो आपको भी खुशी होती होगी। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, दिस पिक्चर्स जेरिंग फैमिलीज पिक्चर्स, न्यू प्लेस नई जगह। जेरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, तो जेरिंग के फादर को ऑफिस से एक लेटर मिला है। द लेटर सेड दैट ही वॉज बींग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनादर सिटी, तो उनका प्रमोशन हो गया और उनको अनादर सिटी, दूसरी सिटी में उनको जाना है, इस लेटर में ऐसे बताया गया है। जैसे कि इस पिक्चर में बताया है, जैसे लेटर दिखा रहे हैं, लेटर देते हुए बता रहे हैं जेरिंग फादर को। देन सेकेंड पिक्चर्स में शो करा कि उसके फादर है, उस लेटर के बारे में घर पर बता रहे हैं, जेरिंग है और उसकी दादी बैठी हुई है, दादाजी हैं एंड उसकी मदर दिखाई दे रही है। अगेन क्वेश्चन हियर, व्हेन जेरिंग्स फादर शोड द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फील्ड, तो जैसे जेरिंग्स के फादर ने अपनी फैमिली में वो लेटर शो किया होगा तो उनके फैमिली के मेंबर्स ने कैसे रिएक्ट किया होगा, तो आप बता सकते हैं कि अगर उनकी काफ़ी खुशी हुई होगी तो आप यहाँ लिख सकते हैं एवरी वन वॉज हैप्पी दैट जेरिंग्स फादर गॉट फ्रॉम अनादर फ्रॉम अपॉन एट द सेम टाइम ऑल वेयर अ लिटिल सैड ऑल्सो दैट ही हैज़ टू गो टू अनादर सिटी, तो उनको खुशी तो हुई होगी बट खुशी के साथ साथ थोड़ा दुख भी होगा क्योंकि उनको अनादर दूसरे सिटी जाना पड़ेगा। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसकी जेरिंग की मदर है जो पैकिंग कर रहे हैं, उसके साथ उसके दादाजी, उसकी ग्रैंडफादर है, हेल्प कर रहे हैं, उसकी दादी हेल्प कर रही है। एंड नेक्स्ट पिक्चर में बताया दिखा रहा है कि वो ट्रेन से अनादर सिटी जा रहे हैं और जेरिंग जो है काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहा है कि उसको दूसरी नई सिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट विल चेंजेस इन जेरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जैसे ही जेरिंग की फैमिली में फादर्स का ट्रांसफ़र होता है तो उसकी फैमिली में क्या चेंजेस आए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु फॉर्म जेरिंग्स फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस,
Which school will Zerin go to now? Will he have a new friend? Here is the question. कि जेरिन की फैमिली में कौन कौन नए प्लेस में गया होगा. नेक्स्ट जेरिन को वहाँ जाने के बाद नई स्कूल मिली होगी. विल ही हैव न्यू फ्रेंड, क्या उसको नए फ्रेंड मिले होंगे. हाँ तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं जेरिन्स मदर, जेरिन्स सिस्टर एंड जेरिन. एंड जेरिन विल गो टू अ स्कूल देयर, वो उस नए स्कूल भी गया होगा एंड ही विल हैव अ न्यू फ्रेंड देयर और उसे नए फ्रेंड भी मिले होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एनी बडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क. क्या आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर, आपकी फैमिली के मेंबर कुछ नए प्लेस में गए हैं कुछ वर्क करने के लिए, तो आप बता सकते हैं यस या नो. तो यहाँ बता सकते हैं यस माय अंकल मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क. तो मेरे अंकल जो है, चाचा जो है, नए प्लेस गए हैं वर्क करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज. तो इस चेंज में आपको कैसी फीलिंग आती है, क्या लगता है. तो आप लिख सकते हैं वी फील सैड अबाउट दिस चेंज. तो किसी को देखो यहाँ खुशी होती है तो किसी को दुख होता है कि हमें अपने फ्रेंड्स को छोड़ के जाना पड़ता है, घर के मेन सदस्यों को छोड़ के जाना पड़ता है. तो आप लिख सकते हैं या फिर किसी को खुशी होती है नए जगह जाने की, तो वी फील हैप्पी और वी फील सैड अबाउट दिस चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? If so, talk to him or her. अगर आपको नई जगह में या फिर आपके स्कूल में कोई नया मेंबर आपके स्कूल में आया, जैसे लाइक कोई गर्ल है या कोई बॉय है, तो कोई शिफ्ट हो जाते हैं नई प्लेस में और उन्हें न्यू एडमिशन के लिए नए स्कूल में एडमिशन करना पड़ता है. यहाँ कुछ अगेन क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेयर हैज़ शी और ही कम फ्रॉम. तो कहाँ से आया है पूछा है. शी केम फ्रॉम वाराणसी, लिख सकते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हीज और हर ओल्ड स्कूल लाइक. तो उसकी स्कूल कैसी थी, हाउ ओल्ड स्कूल वाज लाइक दिस स्कूल. तो पहले स्कूल के जैसी स्कूल थी या कुछ नया माहौल रहा होगा. व्हाट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट हियर, उसने कुछ नया क्या डिफरेंट पाया था. तो आप लिख सकते हैं शी फाउंड डिफरेंट पीपल, डिफरेंट यूनिफॉर्म, डिफरेंट टाइमिंग, उसे कुछ नया डिफरेंट मिला होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ही और शी लाइक द चेंजेस, क्या उसे पसंद आया ये चेंज. तो लिख सकते हैं एट फर्स्ट शी हैड सम प्रॉब्लम टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशन बट नाउ शी एंजॉय इट. तो आप देखो नए हम लोग स्टार्टिंग में अगर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा पहले नर्वस फील करते हैं, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेते हैं और वो उस कंडीशन में हम लोग ढल जाते हैं और हमें काफ़ी अच्छा महसूस हम लोग करते रहते हैं और अच्छा लगने लगता है. इस चैप्टर का आगे का पार्ट हम पार्ट टू में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड. फर्स्ट चेंजिंग, CHANGING. चेंजिंग मीन्स मार्क बाय कंटिन्यूस चेंज, मीन्स बदलना. अराइवल, ARRIVAL. अराइवल मीन्स द एक्ट ऑफ अराइविंग एट अ सर्टेन प्लेस, मीन्स आगमन. एक्साइटमेंट, AXCITEMENT. एक्साइटमेंट मीन्स द फीलिंग ऑफ लवली एंड चेयरफुल जॉय, मीन्स उत्साह. फीड, FEED. फीड मीन्स गिव फूड टू, मीन्स खिलाना. नेक्स्ट नेबरहुड, NEIGHBOUR HOOD. नेबरहुड मीन्स पीपल लिविंग नियर वन अनादर, मीन्स अड़ोस या पड़ोस. ब्राइड, BRIDE. ब्राइड मीन्स अ वुमन हु हैज रिसेंटली बिन मैरिड, मीन्स दुल्हन. ग्रूम, GROOM. ग्रूम अ मैन हु हैज रिसेंटली बिन मैरिड, मीन्स दूल्हा. रिसेंटली, RECENTLY. रिसेंटली मीन्स इन अ रिएक्ट पास्ट, मीन्स हाल ही में. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.